Students, welcome to history class 11th. Student, in recent video we have discussed about the use of labor, why people were used in different types of labor, what kind of labor was prevalent. Now social hierarchy matlab society kaise divide thi, to dekhte hain. सबसे पहले हम सोशल हायरार्की में सबसे पहले एम्पायर की बात करते हैं. एम्पायर का स्ट्रक्चर कैसा था? देखो, टेसिटस डिस्क्राइब द लीडिंग सोशल ग्रुप ऑफ अर्ली एम्पायर एज फॉलोअर. सीनेटर्स, ये कौन थे? लीडिंग मेंबर्स ऑफ द इक्वेस्टेरियन क्लास, मतलब जो सीनेट्स होते थे, अपर पॉलिटिकल क्लास जो होती थी, रिस्पेक्टेबल थे, सेक्शन था. एंड दोज अटैच टू द ग्रेट हाउस, अनकैम्प्ड लोअर क्लास. देखो, ये उनका घर अच्छे होते थे. उसके बाद आ गए लोअर क्लास, हु टेल अस वर एडिक्टेड टू द सर्कस एंड थ्रेटिकल डिस्प्लेस एंड फाइनली द स्लेव्स. और ये उसके बाद आते हैं स्लेव्स. स्लेव्स वो जो थर्ड सेंचुरी में, वेन सीनेट नंबर रफली 1000, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ ऑल सीनेटर स्टिल केम फ्रॉम इटालियन फैमिलीज. मतलब 1000 के करीब सीनेट्स थे जो ज्यादातर इटालियन फैमिली से आते थे. लेट एम्पायर में क्या हुआ? विच स्टार्ट विद द कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट. इन द अर्ली पार्ट ऑफ फोर्थ सेंचुरी द फर्स्ट टू ग्रुप मेंशन बाय टेसिटस हैड मर्ज इनटू यूनिफाइड एंड एक्सपेंडेड एरिस्टोक्रेसी. जो दो ग्रुप पहले बताए गए हैं वो, यानी कि जो लोअर क्लास और जो सीनेट थे, मिलकर उन्होंने क्या किया? एरिस्टोक्रेसी को एक्सपेंड किया. मतलब सीनेट्स ने ही किया ज्यादातर. एंड द लीस्ट हाफ ऑफ फैमिली ऑफ अफ्रीकन ईस्टर्न ओरिजिन. रोमन एरिस्टोक्रेटिक वाज एनॉर्मसली वेल्दी बट इन मैनी वेज लेस पावरफुल देन प्योरली मिलिट्री लाइट हु केम फ्रॉम एंटायरली फ्रॉम नॉन एरिस्टोक्रेटिक बैकग्राउंड. तो आपको पहले बताया गया था, इटालियन फैमिली को हटाने के लिए, नोबल्स के रोल को बचाने के लिए राजा ने क्या कर दिया? अफ्रीकन, नॉर्थ अफ्रीकन साइड से आने वाले लोग जो कि पावरफुल थे, उनको सीनेट्स में शामिल कर लिया, अपने ऑफिसर्स बना लिया. द मिडिल क्लास नाउ कंसिस्ट ऑफ द कंसिडरेबल मास ऑफ पर्सन कनेक्टेड विद इंपीरियल सर्विस इन द ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी बट ऑल्सो मोर प्रॉस्पेरस मर्चेंट एंड फार्मर्स ऑफ होम देयर वर मैनी इन द ईस्टर्न प्रोविंस. तो मिडिल क्लास में कौन थे? बहुत सारे लोग जो व्यापारी वगैरह थे, मर्चेंट्स वगैरह थे ईस्टर्न प्रोविंस में. टेसिटस और भी डिस्क्राइब करता है कि रिस्पेक्टेबल मिडिल क्लास एज अ क्लाइंट ऑफ ग्रेट सेनेटोरियल हाउस. सेनेटोरियल हाउस में इनकी काफी रिस्पेक्ट थी जो मिडिल क्लास थी. नाउ इट वाज चीफली गवर्न सर्विस एंड डिपेंडेंस ऑन द स्टेट दैट सस्टेन मैनी ऑफ दीज फैमिलीज. बहुत सारी फैमिलीज थी ये मिडिल क्लास की जिनको अब सीनेट्स की सपोर्ट प्राप्त थी. बिलो दम वर द वास्ट मास ऑफ लोअर क्लास. लोअर क्लास जिनको हम ह्यूमिलियर्स कहते हैं वो थे. ह्यूमिलियर्स जिनको बहुत बुरी तरह से तंग किया जाए. दे कंपराइज रूरल लेबरर्स फोर्स विच मैनी वर परमानेंटली एम्प्लॉयड ऑन द स्टेज ऑफ स्टेट लार्ज स्टेट. वर्कर इन इंडस्ट्रियल माइनिंग एस्टेब्लिशमेंट, माइग्रेंट वर्कर हु सप्लाइड मच ऑफ द लेबर फॉर द ग्रेन एंड ऑलिव हार्वेस्ट एंड फॉर बिल्डिंग इंडस्ट्री. तो इतने बड़े एम्पायर में इन सारे लेबर्स का इस तरह से यूज होता था. कहीं से इंडस्ट्रियल लेबर आते थे, कहीं से माइनिंग लेबर आते, सारे ये गांवों से थे, कंट्री साइड से थे. सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिशन हु इट वॉज सेट वर बेटर फेड देन वेज लेबर. एक मतलब लेबर करने वाले से अच्छा था वो लोग जो आर्टिशन थे. अ लार्ज मास ऑफ कैजुअल लेबर जो थे, स्पेशली इन बिग सिटीज एंड कोर्स ऑफ मैनी थाउजेंड ऑफ स्लेव That were still found all over the Western Empire in particular. Western Empire में बहुत सारे slave मिलते थे जो अपना भरपेट खाना भी नहीं खा पाते थे और ये on the mercy of owner depend करते थे. One writer of 5th century, the historian Olympiodorus, who was also ambassador, tell us that aristocracy based in city of Rome drew annual income up to 4000 pounds of gold from their estate, not counting the produce they consume directly.
देखो ये जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज थी, ये सिर्फ टैक्स के रूप में ही एनुअल इनकम जो थी इतना था। अभी इसका जो खर्चा वगैरह है वो काउंट नहीं करते थे, खर्चा वो नहीं काउंट करते, सिर्फ इनकम इनकम जो है वो, इनमें से खर्चा जो था वो डायरेक्टली सर्विट्यूड में ले लेते थे। द मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द लेट एम्पायर ब्रोक विद द सिल्वर बेस्ड करेंसीज ऑफ फर्स्ट 3 सेंचुरी बिकॉज स्पेनिश सिल्वर माइंस एग्जॉस्टेड एंड गवर्नमेंट रैन आउट ऑफ सफिशियंट स्टॉक ऑफ मेटल टू सपोर्ट द स्टेबल कॉइनेज इन सिल्वर। सिक्कों का प्रचलन ज्यादा हो गया, अब इतने चांदी नहीं थी क्योंकि चांदी जो थी स्पेन की माइन में बिल्कुल ही खत्म होने वाली थी, तो अब सिक्कों का, जो चांदी के सिक्कों का प्रचलन था वो बंद करना पड़ा। उन्होंने एक न्यू मॉनेटरी, कॉन्स्टेंटाइन ने एक न्यू मॉनेटरी सिस्टम जो गोल्ड में शुरू किया, एंड देयर वाज वास्ट अमाउंट ऑफ दिस इन द सर्कुलेशन थ्रू आउट द लेट एंटीक्विटी। अंत तक ये गोल्ड का जो सर्कुलेशन था ये चलता रहा। तो स्टूडेंट के में नोट्स बनाइए, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।